कोरोना काल में आपने कई लोगों को दूसरे लोगों की मदद करते हुए देखा होगा। कई राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग इस समय में आगे आ रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। लेकिन इसी में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी परेशानियों को किनारे कर निस्वार्थ भाव से सेवा में जुटे हैं। इसी में शामिल हैं दिल्ली की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर ट्विंकल कालिया। ट्विंकल कालिया खुद कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से ग्रसित हैं, लेकिन इसके बावजूद मौजूदा समय में दिल्ली के लोगों को निशुल्क एम्बुलेंस सेवा प्रदान कर रही हैं। टोटल 12 एम्बुलेंस हैं वर्किंग में, बट हमारे पास जो है ऑक्सीजन सिलेंडर अभी फ़िलहाल नहीं है और आईसीयू वाली एम्बुलेंस नहीं है, उसकी हमें बहुत ज़्यादा नीड है ताकि हम और लोगों की भी सेवा कर पाएँ जिनको बहुत ज़्यादा, जिनकी हालत जो क्रिटिकल है, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में छोड़ना है, क्योंकि एम्बुलेंस वाले बहुत ज़्यादा चार्जेस मांग रहे हैं। तो उन लोगों की भी हम हेल्प कर पाएंगे जिनके पास हॉस्पिटल से शिफ्ट कराने के लिए पैसे नहीं हैं। ट्विंकल कालिया और उनकी टीम दिन रात निस्वार्थ भाव से दिल्ली वासियों की सेवा में जुटी है। कम संसाधन होने के बावजूद ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें। मौजूदा समय में यही टीम उन सरकारों के लिए सबब है जो तमाम संसाधन होने के बावजूद लोगों की जान नहीं बचा पा रही हैं।